गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश इन स्टैंडर्ड 2। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 108 और 109 कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 1010 से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 110 यानी 110 से। Change from singular to plural by adding es, ies and ves। ठीक है, चलो अभी singular यानी single कोई चीज़ है उसको हमें plural form यानी कि बहुवचन करना है। गुजराती में कहिए तो एक वचन नु बहुवचन करूँ। singular एटले एक वचन एटले सिंगल वस्तु अने plural एटले के बहुवचन एटले एनु वधारे एम। चलो फॉर एक्जाम्पल, अहीं एक्जाम्पल यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बफेलो, बी यू डबल एफ ए एल ओ, बफेलो, तो उसका हो जाएगा बफेलोस, है ना, बी यू डबल एफ ए एल ओ ई एस, बफेलोस। उसके बाद है बेबी, बी ए बी वाई बेबी, तो बी ए बी आई ई एस। चलो जो वॉवेल्स होते हैं ना उसके पीछे ई एस लगता है और आई वाई होता है उसके पीछे आई ई एस लगता है। ओके, तो चलो अभी चलो बेबी का बेबीज, नाइफ, नाइफ का नाइव्स, के एन आई वी ई एस, इस तरह से होगा। उसके बाद है हीरो, तो एच ई आर ओ हीरो, हीरो का क्या हो जाएगा ई एस। मैंने आपको बोला कि वोवेल्स जो जैसे ए ई आई ओ यू आता है तो उसके पीछे ई एस लगता है, तो एच ई आर ओ ई एस, हीरोज। उसके बाद है फ्लाई, तो F L I E S, I Y है तो I E S लगता है, है ना। फिर है वुल्फ, तो वुल्फ का हो जाएगा W O L V E S, वुल्फ, है ना। पोटैटो, P O T A T O, पोटैटो का P O T A T O E S, ठीक है, E S लेंगे। अभी लेडी, तो I का L A D I E S, लेडीज। अभी लोफ, तो L O A V E S, loaves, ठीक है। चलो फिर से buffalo, buffaloes, baby, babies, knife, knives, hero, heroes, fly, flies, wolf, wolves, potato, potatoes, lady, ladies, loaf, loaves, ठीक है। तो ये आपको पूरा नोटबुक में 5 टाइम्स लिखना है। ओके, चलो फन टाइम, मस्ती का टाइम है, चलो मस्ती करनी है ना। कैन यू क्राउल लाइक अ बेबी, क्राउल क्राउल क्राउल, क्या आप बेबी की तरह क्राउल, क्राउल यानी कि आपने कहे ना गोठण भर चाले, नानू बाड़क हो ये केवू गोठण भर चाले, इन्हें इंग्लिश में क्राउल कहवाए। तो कैन यू क्राउल लाइक अ बेबी, क्या आप इस तरह चल सकते हो, तो आपको सबको घर पर बेबी की तरह चलना है, क्राउल क्राउल क्राउल। कैन यू हॉप लाइक अ ग्रेस हॉपर, क्या आप ग्रेस होपर एटले के जे दीदी घोड़ो आवे, होप होप होप, उसकी तरह आपको जंप करनी है घर पे। कैन यू जूम एंड जूम लाइक एन एरोप्लेन, जूम जूम जूम, तो आपको आपके हाथ ऐसे दोनों करके जूम बन के एरोप्लेन बन के घर पे उड़ना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, जैसे कैन यू क्राउल लाइक अ बेबी, तो क्राउल क्राउल क्राउल। कैन यू होप लाइक अ ग्रेस होपर, होप होप होप। कैन यू जूम लाइक अ एरोप्लेन, जूम जूम जूम, ठीक है। चलो मेक इट शॉर्टर, चलो अभी आज यहाँ पे हम नई एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। शॉर्टर मतलब छोटा, तो आज मैं आपको सिर्फ रीडिंग सिखाऊंगी, एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट चैप्टर में करूँगी। ओके, वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर, वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ordered make this line shorter but don't rub out any part of it। आज हमें सिर्फ रीड करना है, एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करने वाली, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी ये स्टोरी क्या है वो बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रीडिंग सीखनी है मेरे साथ साथ। वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ordered make this line shorter but don't rub out any part of it।
इसमें जो मैं लाइन कर रही हूँ ना, वो हार्ड वर्ड्स आपको अभी नहीं लिखने हैं, ठीक है? जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ना, तब लिखने हैं। नो वन न्यू वॉट टू डू, नो वन न्यू वॉट टू डू। ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड। नो वन न्यू वॉट टू डू, ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर, नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर। नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग व्हेन इट वॉज हिज टर्न, ही वेंट नियर द लाइन। डिस्कस्ड विद योर पार्टनर व्हाट बीरबल वुड डू, आपको बाद में डिस्कस करना है कि बीरबल ने क्या किया है। तो चलो नाउ रीड फर्दर। चलो, बीरबल ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन, ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन। एवरी वन इन द कोर्ट सो वॉट द ड्रॉ एंड से दैट्स ट्रू, द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ। चलो, यहाँ पर जो स्टोरी है वो हमें सिर्फ आज रीड करनी है, घर पे रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लेकिन मैं आज आपको नहीं बताऊंगी, थोड़ा हम सस्पेंस रखेंगे, ठीक है? ताकि नेक्स्ट लेक्चर का जो वीडियो आएगा उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाली है। ये अकबर और बीरबल की स्टोरी है जो बहुत ही अच्छी है। मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में समझा देती हूँ कि अकबर ने एक लाइन ड्रॉ की है जिसको बिना हाथ लगाए या बिना छुए छोटी करनी है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो बीरबल ने कर दिया है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं फिर से ये पूरा चैप्टर जो है रीड कर रही हूँ ताकि आपको सारे वर्ड्स रीड करना आ जाए, ठीक है? वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर्ड, मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। नो वन न्यू वॉट टू डू, ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर, नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग व्हेन इट वॉज हिज टर्न, ही वेंट नियर द लाइन। डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट बीरबल विल डू। बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन, ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन। Everyone in the court saw what he drew and said, "That's true. The first line is shorter now." ये जो new words है वो घर पे read करना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। Next lecture में मैं आपको ये explain करूँगी, साथ में हम new words stick करेंगे, वो आपको बाद में लिखने हैं, अभी नहीं लिखने हैं। आज का आपका homework है ये जो singular और plural वाला जो है वो 5 times notebook में लिखना है, और ये जो नीचे समझाया वो आपको घर पे करना है, ओके? तो आज के लिए इतना ही। Thank you.